वेलकम टू प्रो टिप्स, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं आता हूं क्योंकि आपने इंटरेस्टिंग बात छेड़ दी और हम सब जानना चाहते थे। सुबह से चर्चा कर भी रहे थे नीरज जी की, भाई इंफोसिस इतना तगड़ा गिरा है तो क्या एक्युमुलेट कर लेना चाहिए लंबी अवधि के लिहाज से। मैं उस पर आता हूं। ये आपने डिफरेंट मोड्स जो आपको नजर आ रहे हैं उसके लिहाज से आपने स्टॉक्स हाईलाइट करे। अब मिसाल के तौर पर अल्ट्राटेक का मोड क्या है, इसका साइज? पैन इंडिया प्लेयर है। हाँ। और इसका जिस तरह का टॉप लाइन है, दे कैन एब्जॉर्ब द प्राइस जैसे इंपोर्ट कॉस्ट प्रेशर। हाँ। और बैलेंस स्ट्रेंथ है, प्राइस हाइक ले सकता है, पैन इंडिया डिमांड को कवर कर सकता है, ऊपरी स्तर से बहुत करेक्ट हो चुका है ऑलरेडी, तो मुझे लग रहा है। और देखिए, अगर जिस तरह का मार्केट में अभी ये न्यूज चल रहा है कि हॉलसी मिल ट्राइंग टू सेल ये अंबुजा, तो इतना बड़ा एसेट है, वो इतना बड़ा वैल्यूएशन में अगर बिक रहा है, तो अल्ट्राटेक को मुझे लग रहा है तो और अच्छा वैल्यूएशन मिलना चाहिए। तो उस हिसाब से मुझे लगता है अल्ट्राटेक एक बहुत बड़ी कंपनी है, वीकनेस में अच्छा बाय बनता है इसमें। ठीक है, मतलब बेसिकली शेयर साइज अल्ट्राटेक का जो है ओवर द इयर्स जो इन ऑर्गेनिक इनिशिएटिव्स लिए थे, अब अल्ट्राटेक पसंद आती है। एसआरएफ जैसा स्टॉक, एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक, एपीएल, अपोलो, इस तरह के स्टॉक्स हैं जो किसी भी गिरावट में अच्छे मोड्स, अच्छे स्ट्रेंथ, अच्छे फंडामेंटल्स वाले स्टॉक्स हैं। इनको आप खरीदने की करिए कोशिश। मैं आपके आईटी वाले डिस्कशन पे आता हूं। जो आप कह रहे हो बेहतरीन मौके नजर आ रहे हैं आप लोग को शेयर खान में इस आईटी स्टॉक्स की पिटाई के बीच में खरीदारी करने के, कौन से वो स्टॉक्स हैं जो आप लोग खरीदना चाहते हो? लेकिन उससे पहले, क्योंकि आज इक्विटी मार्केट रिएक्ट कर रहे हैं उस इन्फोसिस के बेहद कमजोर नंबर्स पे, और उसके बाद पूरा आईटी आज मीनिंगफुल करेक्शन के साथ इस समय कामकाज करता हुआ, तो दरअसल दोनों आईटी दिग्गज जो इन्फोसिस और टीसीएस के नंबर्स आए, ये स्टैक अप कैसे करते हैं? इन्फी वर्सेस टीसीएस, कितना दमखम था टीसीएस के नंबर्स में, कितनी वीकनेस थी इन्फी के नंबर्स में इन कंपैरिजन टू टीसीएस, उसकी एक बढ़िया डिटेल एनालिसिस लेके दीपाली आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आएंगी। दीपाली, क्या कहता है आपका कंपैरेटिव फिगर?